हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे और मेरे जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और साथ ही एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि जो टॉपिक हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर उसको देखिए, ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो देखेंगे फिर आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है, समझा है, उनको पता है कि आज के वीडियो में और आज हम इंटरटेनमेंट करने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ साथ बहुत से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपकी डेली लाइफ से संबंधित होंगे, जो आप रोज़ाना हो सकता है सॉल्व भी करते हों या उनको एज ए क्वेश्चन एज ए पहेली आप देखते हों, तो वो आप इस तरह के क्वेश्चन अब यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे, हम उससे आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, 6 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, कहता हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 1, 3, 5, 6 एंड 7। 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, क्या करना है आपको 3-डिजिट नंबर्स बनाने हैं यूजिंग कौन कौन सी डिजिट आपको यूज करनी है, 0 यूज करना है, 1 यूज करना है, 3 यूज करना है, 5, 6 और 7। ये आपके पास 6 डिजिट है जिससे जिनको आपको यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर कंडीशन आपको दी है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, और सेकंड कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउड। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो आपके क्या करना है यहाँ पर 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जब आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन यूज करनी है तो आपको उसी कंडीशन से यूज करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर जो डिजिट अवेलेबल है अगर मैं वहां से कोई नंबर बनाऊँ, मैं उनको यूज करके मैं कहूँ कि भाई मैंने नंबर बना दिया 0, 1, 3 या मैंने नंबर बना दिया 0, 7, 6, तो क्या ये नंबर 3 डिजिट नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका पहला प्लेस है वो 0 हमने रख दिया, 0 यहाँ पर रखने पर कोई फायदा नहीं होगा, जो आपकी डिजिट है ये 2 ही डिजिट काउंट होंगी। यानी यहाँ से क्लियरली एक चीज आपको शो हो रही है कि जो ये वाला प्लेस है इस प्लेस पर आप ये 0 को फिल नहीं कर सकते, यानी इस प्लेस के लिए आपके पास ऑप्शन जो है रेस्ट्रिक्टेड है, कम हो गए हैं, जितने आपको ऑप्शन दिए थे उतने अवेलेबल नहीं है, उसमें से 0 को आप नहीं रख सकते हो। दैट मीन्स आपके पास इस पोजीशन के लिए 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन 5 में से आप कोई भी नंबर यहां रख सकते हो। तो जब आपको एक कंडीशन स्पेसिफिक यूज करनी है तो वहीं से स्टार्ट करना है, चीज ध्यान रखना। अगर कहीं आप इवन और ऑड नंबर बना रहे हो तो इवन और ऑड नंबर कहां से डिसाइड होता है, इस प्लेस से डिसाइड होता है, तो आपको यहां से स्टार्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पर आपके पास क्या था, आपको नंबर बनाने 3 डिजिट 4 डिजिट इस तरह के नंबर बनाने, और अगर आपको 0 भी दिया हुआ है दैट मीन्स 0 को आप यहाँ पर तो नहीं ले सकते हो, तो इसलिए ये वाला प्लेस आपका पहले यूज होगा। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद दूसरे प्लेस पर बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, 5 डिजिट हमने ली, कौन सी, ये 5 ली, इन 5 में से कोई एक आपने फिल कर दी यहाँ पर। अब ये कहाँ करा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी जो डिजिट आपने यहाँ पर रख दी, सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये 6 डिजिट थी, मैंने इसमें से 3 रख दिया, मां सपोज मैंने 3 रख दिया। अब जो दूसरा वाला प्लेस है इसके लिए मेरे पास कितने डिजिट बचेंगी, क्या 4 बचेंगी या 5 बचेंगी, सोचो जरा ध्यान से कि 4 डिजिट बचेंगी या 5 बचेंगी। जो ये वाला प्लेस है इस पर तो हम 0 रख सकते हैं ना, अगर हम नंबर ऐसे बना देते हैं 7, 0, 6 तो ये 3 डिजिट नंबर ही काउंट होगा, तो 0 को आप यहां तो रख ही सकते हो, तो 0 को यहां रख सकते हैं, तो 0 इंक्लूड हो गया, तो 0 हो गया एक नंबर, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी अब आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हो गए इस प्लेस के लिए भी। अगले प्लेस की हम बात करें, मान लो सपोज मैंने यहां 0 ही रखा था या कुछ और भी रखा था, कुछ भी लगा लो, 1, 2, 3, 4, अब 4 ऑप्शन अवेलेबल होगी, तो 4 ऑप्शन ही अवेलेबल होगी, तो यहाँ पर आपको नंबर्स बनाने थे, यानी आपको ये नंबर भी रखना है और ये नंबर भी रखना है और ये नंबर भी रखना है, दैट मीन्स यहाँ पर एंड यूज हो रहा है, एंड यूज हो रहा है, इसका मतलब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 100। ऐसे अगर हम इसकी बात करें कि रिपीटेशन अगर अलाउड हो,
अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो ये वाला प्लेस है लास्ट वाला, इस पर तो 5 ही रहेगा, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो चाहे ना हो, क्योंकि 0 तो आप यहाँ रख ही नहीं सकते हो ना, 0 रख नहीं सकते, तो यहाँ पर तो प्लेस आपके पास 5 हो गए। अब लेकिन जो सेकंड वाला प्लेस है वहां पर आप इन 6 में से कुछ भी रख सकते हो, अब क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो चुका है, तो अब यहाँ 6 के 6 नंबर में कोई भी रख दो, यहाँ भी 6 में से 6 कोई भी रख दो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। मतलब आप यहाँ पर इस तरह का नंबर बना सकते हो, 1 2 1 3 3, तो 2 तो उसमें है ही नहीं, या 1 7 7, कुछ भी बना सकते हो, मतलब रिपीटेशन आप कर सकते हो, तीनों में भी आप रिपीट कर सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो 777, कहीं भी रिपीट कर सकते हो। लेकिन बस ये ध्यान रखेंगे कि जो पहला प्लेस है उस पर आप 0 नहीं रख सकते, 0 को रखते ही वो नंबर 3 डिजिट का नहीं रहेगा, 2 डिजिट का हो जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30 30 को 6 से करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 180। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, 7 में भी कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, अभी जो मैं बात कर रहा था इवन नंबर की, वही क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7। 3 डिजिट का मेरे को इवन नंबर बनाना है, यहां पर इवन नंबर यूजिंग कौन कौन सी डिजिट यूज करनी है, डिजिट यूज करनी है यहां पर 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, ये आपके पास डिजिट है, और कंडीशन यहां भी दी हुई है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी दोनों सेम कंडीशंस हैं लेकिन नंबर्स डिफरेंट हो गए। 3 डिजिट का नंबर यहां पर हमें बनाना है, तो वही आपके पास 3 प्लेसेस अवेलेबल है, 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस। अब यहां पर क्योंकि ये कहता है कि नंबर इवन होना चाहिए, अब इवन नंबर कितना भी बड़ा नंबर कोई भी हो, वो इवन है या ऑड है हम उसको पता लगा सकते हैं इजीली। कैसे पता लगाते हैं, इस प्लेस से पता लगाते हैं, इस प्लेस पर अगर आप 0 रख दें या 2 या 4 या 6 या 8, तो ये नंबर इवन होगा, आगे इसके कुछ भी आधार है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट प्लेस से मतलब है इसमें। तो यहाँ पर आपको जो कंडीशन यूज करनी है, कहाँ पर यूज करनी है, यहाँ पर यूज करनी है। तो अब यहाँ पर यूज करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 2 देखो यहाँ पर है, 2 रख सकते हो आप, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, तो इन 3 में से कोई एक नंबर आप यहाँ रख सकते हो, नंबर तो एक ही रखना है, लेकिन ऑप्शन कितने आपके पास, 3 है। अगर हम यहाँ 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 3 फिल करना है या यहाँ पर आपको 3 नंबर फिल करने हैं, नहीं, नंबर तो एक ही फिल करना है, आपको ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ऑप्शंस नंबर ऑफ वेज वो निकालने हैं कि यहाँ पर आप 2 रख सकते हो या 4 रख सकते हो या 6 रख सकते हो, इनमें से कोई एक नंबर रख सकते हो। यहाँ पर और वर्ड यूज होता है इसलिए यहाँ पर ऑप्शंस लिखे जाते हैं, उनका टोटल लिखा जाता है, क्लियर हुई बात। अब उसके बाद दूसरे प्लेस पर चलते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि आप इनमें से जो नंबर रख चुके हो उसको आपको रिपीट नहीं करना है, तो रिपीट नहीं करना है दैट मीन्स आपके पास 6 डिजिट अवेलेबल थी उसमें से 1 डिजिट आप यहाँ पर रख चुके हो, अब आपके पास बच गए कितने, 5 डिजिट, कोई से भी 5 में से एक रख दिया। अगले प्लेस के लिए आपके पास 4 डिजिट, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 23 60, तो 60 इवन नंबर आप बना सकते हो। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो क्या करेंगे, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो या रिपीटेशन अलाउड ना हो, यहाँ पर तो ऑप्शन 3 ही रहेंगे, क्योंकि जो इवन नंबर तो ये डिसाइड करेगा ना, या तो आप 2 रखोगे या 4 रखोगे या 6 रखोगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउड होने की वजह से अब यहाँ पर आपके पास 6 के 6 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, क्योंकि 6 में से आप कुछ भी रख सकते हो, अब आप रिपीट कर सकते हो, जो नंबर आपने यहाँ पर रखा था उस नंबर को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। सेम फिर अगला प्लेस है उस पर भी 6 के 6 नंबर होंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 108। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व होंगे, एक एक दो दो लाइन के अंदर खत्म हो जाएंगे, लेकिन बेसिक्स आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में कहता है हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बॉल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कहता है, 4 डिफरेंट बॉल्स, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, 4 डिफरेंट बॉल्स हैं आपके पास और 3 बॉक्सेस हैं, तो आपको क्या करना है, ये कहता है हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बॉल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस, कि आप ये 4 बॉल को 3 बॉक्सेस के अंदर कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये मेरे पास मान लो 3 बॉक्स हो गए। अब मेरे पास, मैं इन 4 बॉल में से कोई भी बॉल ले लेता हूँ, एक बॉल लेता हूँ या दो लेता हूँ, 3-4 जैसे लेता हूँ, कोई डिफरेंट डिफरेंट बॉल है, तो मैं मान लो एक बॉल को इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कितने तरीके हो जाएंगे, एक बॉल को डालने के लिए मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, 3 बॉक्स है मेरे पास अवेलेबल, बॉल मेरे पास कितनी है, 4 बॉल है, ध्यान रखना, ठीक है, ये बॉक्सेज है और ये 4 बॉल है। तो मैं यहाँ से पहली बॉल लेता हूँ अपनी, अब पहली बॉल मैं बॉक्स में डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पहली बॉल बॉक्स में डालना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, मैं चाहे पहले बॉक्स में डालूँ, चाहे मैं दूसरे बॉक्स में डालूँ, चाहे मैं तीसरे बॉक्स में डालूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन मिल रहे ना मेरे को, या वर्ड यूज हो रहा है, या तो मैं पहले बॉक्स में डालूं, या दूसरे बॉक्स में डालूं, या तीसरे बॉक्स में डालूं। तो पहली बॉल डालने के लिए मेरे पास टोटल मिलाकर 3 ऑप्शन है, तो वो मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए। अब मैंने एक बॉल तो डाल दी, खत्म एक बॉल का काम। अब मैंने दूसरी बॉल उठाई, अब दूसरी बॉल जब मैं डालने जा रहा हूं, तो बॉक्सेस तो उतने ही है ना, मैं दूसरी बॉल को चाहे मैं पहले बॉक्स में डालूं, या मैं दूसरे बॉक्स में डालूं, या मैं तीसरे बॉक्स में डालूं, तो यहां पर भी मेरे को दूसरी बॉल डालने के लिए 3 ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। फिर मैंने तीसरी बॉल उठा ली, तीसरी बॉल उठा के फिर क्या करूंगा, फिर से यही प्रोसेस रिपीट करूंगा, वहां भी ऑप्शन मेरे पास 3 है। फिर चौथी बॉल उठाई, उसके लिए भी मेरे पास 3 बॉक्सेस अवेलेबल है, तो टोटल मिलाकर 81 वेज होंगे जिससे हम 4 डिफरेंट बॉल को इन बॉक्सेस के अंदर डाल सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में बात करते हैं, सेकंड पार्ट में कहता है यहाँ पर कि हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। 3 लेटर्स, 3 लेटर्स हैं और 4 लेटर बॉक्स है, तो अब इसको हम कैसे डाल सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट की तरह ही है, बस इसमें आगे आपको एक चीज और दे दी है, आगे चीज क्या दे दी, सो दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन सेम लेटर बॉक्स, नो ऑल लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन सेम लेटर बॉक्स, ठीक है। इस कंडीशन को बाद में देखते हैं, पहले हम इसी की बात करते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया था भाई 4 बॉल थी, अब मेरे पास यहां पर क्या है, 3 लेटर है, मैंने पहला लेटर उठाया, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे लेटर दिया पहला कि बेटा जा इनको लेटर बॉक्स में डालिया। अब मैं पहला लेटर लेके गया और 4 लेटर बॉक्स लगे हुए वहां पर, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कितने तरीके हैं, 4 अलग अलग तरीके हैं ना, मैं चाहे पहले वाले में डाल दूं, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, चाहे चौथे में डाल दूं। मेरे को मम्मी पापा ने थोड़ा ना कहा है कि भाई मेरे को इसमें ही डालना है, नहीं डालना है, उन्होंने बस ये कहा है कि लेटर बॉक्स में डालना है। तो आप जब गए वहां पर, लेटर बॉक्स देखा भाई 4 लेटर बॉक्स है, आप कंफ्यूज हो, किसी में भी डाल दो ना, 4 तरीके आपके पास, तो 4 तरीके मतलब पहला लेटर आपने 4 अलग तरीकों से डाल दिया। अब घर आए, फिर मम्मी ने कह दिया बेटा एक लेटर हो रहा है, इसको भी डाल लिया जा। फिर गए दोबारा पोस्ट ऑफिस में, 4 लेटर भाई फिर डाल दिया हमने, वो 4 लेटर बॉक्स थे उनमें से किसी में डाल दिया। फिर कह रहा है याद आया रहे एक लेटर अपना भी रह गया था, ला उसको भी डाल आता हूँ भाई, तो फिर लेटर लेके गए, फिर 4 लेटर बॉक्स है भाई, 4 में से फिर डाल दिया, तो टोटल मिला के यहाँ पर कितने हो गए, 64 हो गए। लेकिन अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो कह रहा है कि सारे के सारे लेटर जो है वो एक ही लेटर बॉक्स में नहीं होने चाहिए। तो जब आप सारे लेटर एक ही लेटर बॉक्स में डालते हो, नंबर ऑफ वे टू ड्रॉप ऑल लेटर्स इन सेम बॉक्स। अब मेरे पास यहां पर क्या है, यहां पर भी मेरे पास 4 लेटर बॉक्स है, मैंने पहला लेटर उठाया, मान लो पहले लेटर बॉक्स में डाला, दूसरा लेटर उठाया वो भी पहले लेटर बॉक्स में डाला, तीसरा लेटर उठाया वो भी पहले लेटर बॉक्स में डाला। तो इस तरह से मेरे पास 4 ऑप्शन है ना, चाहे मैं पहले में डाल देता सारे, चाहे मैं दूसरे में डाल देता, चाहे तीसरे में डाल देता, चाहे चौथे वाले में डाल देता, यहाँ भी मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो अगर सारे के सारे लेटर किसी एक लेटर बॉक्स में गए तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन है, मतलब 4 ऐसे बॉक्स होंगे, सॉरी 4 में से कोई एक बॉक्स होगा जिसमें आप सारे लेटर डाल के आगे। तो आपको अब यहाँ क्वेश्चन की कंडीशन है कि भाई सारे लेटर आपको एक बॉक्स में नहीं डालने, तो आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, यानी आंसर आ जाएगा आपका 60। ठीक है, समझ में आ गई बात, लेटर आप डाल सकते हो आराम से, कौन से लेटर बॉक्स में डालना है कौन से में नहीं डालना। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको देता है, क्वेश्चन 9 में कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग
ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप चाहे विद मीनिंग बनाओ चाहे विदाउट मीनिंग बताओ, हम मैथ्स कर रहे हैं यहाँ पर, इंग्लिश नहीं कर रहे, ऑफ थ्री इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन में दिया हुआ, पहले हम इतना करते हैं कि आपको तीन इंग्लिश अल्फाबेट यूज करने हैं और उससे आपको वर्ड बनाना है। तो कितने वर्ड्स आप बना सकते हो? नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग थ्री इंग्लिश अल्फाबेट। अब थ्री इंग्लिश अल्फाबेट मतलब यूज कर रहे हैं, मतलब थ्री लेटर का वर्ड बना रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं जो मेरे पास 26 लेटर हैं उन 26 में से मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, तो कितने हो गए आपके पास 26। जो दूसरा वाला प्लेस है उस पर भी इसने कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी कि जो आप पहले ले चुके हो वो दोबारा नहीं लेना, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। यानी दूसरा जो प्लेस है उस पर भी मैं 26 ले लेता। जो तीसरा प्लेस है वो मना थोड़ी ना करेगा, वो भी कहेगा भैया 26 मेरे को भी दो यहाँ पर, तो 26 यहाँ पर ले लिया हमने। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 676। फिर 676 को 26 से आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने में तो आप एक्सपर्ट होंगे, फटाफट मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 17576। एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लीकेशन, अगर गलत हो तो आप ठीक कर लेना, वही आपका आंसर आएगा 17576। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन में कहता है कि हाउ मैनी ऑफ दीज हैव ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट। अगर हम यहाँ पर इफ वी टेक ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट, डिस्टिंक्ट मतलब, अब यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि भाई रिपीटेशन नहीं करना है, डिस्टिंक्ट मतलब तीनों के तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो अलग अलग होने चाहिए, तो यहाँ पर कितने आप वर्ड्स बना दोगे? नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर कितने बन गए? पहले तो हमने 26 ही ले लिया। अब क्योंकि जो आप लेटर ले चुके हैं उसको आपको रिपीट नहीं करना, तो अगला आपके पास 25 आ गया, उससे अगला फिर आपके पास 24 आ गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना, ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ठीक आ जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन एट ए टाइम। दो कार्ड आपको निकालने हैं, एक बार में एक ही निकलेगा, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब आपने जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से एक कार्ड निकाल लिया, उस कार्ड को निकाल के साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, उसके बाद फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि आप ये दो कार्ड निकाल सकते हो? ठीक है, इफ देयर इज नो रिप्लेसमेंट, यहाँ चीज ध्यान रखना, इफ देयर इज नो रिप्लेसमेंट मतलब जो कार्ड आप निकाल रहे हो उस कार्ड को आप वापस नहीं रख रहे हो। तो आपके पास जो पहला वाला कार्ड है उसको चूज करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? 52 कार्ड है, उन 52 में से आप कोई भी कार्ड निकाल लो, आपका वही टोटल आपके पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। जब आप दूसरा कार्ड निकालने जाओगे तो जो कार्ड आपने पहले निकाला है वो कह रहा है आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, आप उसको वापस उसमें नहीं डाल रहे हो, आपने उसको अलग निकाल दिया। अलग निकाल दिया तो अब आपके पास कितने बचे? 51 कार्ड बचे हैं, उस 51 कार्ड में से कोई एक कार्ड आपको निकालना है। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 5 5 2 10 10 और 5 15 25 प्लस 1 26 2 6 5 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कहता है फिर आगे अगर रिप्लेसमेंट हो गई, ठीक है, अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गई तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर, अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गई तो आप क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट होने पर क्या होगा? इफ देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ कार्ड, तो आपके पास कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज? आपने कार्ड निकाला पहले 52, अब आपने क्योंकि जो कार्ड पहले निकाला था उस कार्ड को आपने दोबारा उसी में डाल दिया, अब दोबारा उसमें डालने पर फिर से जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है वो तो 52 ही हो गए ना, तो 52 कार्ड को फिर दोबारा 52 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ गए 2 2 4 10 10 20 25 और 2 27, तो यह आ जाएगा 2704। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10th हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट था, ये आर एफ पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चंस है तो इसलिए आप वहाँ पर भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है 8 children are to be seated on a bench, 8 बच्चे हैं, उन 8 बच्चों को आपको बेंच पर बिठाना है। 8 बच्चों को जब आप बेंच पर बिठाओगे कैसे बिठाना है? इन हाउ मेनी वेज कैन द चिल्ड्रन बी सिटेड, तो चिल्ड्रंस को आप कैसे बिठाओगे? अब 8 बच्चे हैं, 8 आपके पास बेंच है,
तो आठ में से आप क्या करेंगे, पहले वाले के लिए आठ में से कोई भी एक प्लेस कर दो, ठीक है। वैसे आपके पास मान लो ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ बेंच है। आप कहते हो भाई पहला बच्चा आया कहीं भी बैठ जा भाई, कहीं भी बैठ जाए मतलब वो इन आठों में से कहीं भी बैठ जाएगा, मान लो वो इस प्लेस पर बैठ गया। फिर दूसरा आ गया, अब वो जो ये बच्चा यहाँ पर बैठा है वहाँ तो वो बैठेगा नहीं, आजकल तो वैसे भी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, कोरोना वैसे चल रहा है, तो यहाँ तो वो बैठेगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं बैठेगा। आप तो आप कहोगे तो भी नहीं बैठेगा। तो दूसरा जो बच्चा है उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, सेवन ऑप्शन हो गए। अब ये प्लेस भी मान लो वो यहाँ बैठ गया भाई। फिर दूसरा बच्चा आया उसके लिए कितने आपके पास प्लेस बचे, छह प्लेस बचे। फिर पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, लास्ट में जो आएगा बेचारा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, जो बची हुई सीट होगी वहीं पर ही बैठ जाएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 20 इधर हो गया, 2 3 6, 6 2 12, 12 6 72, तो 56 को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो आप लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लेना कैसे आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो इजीली, ठीक है। 2 6 12, 2 5 10, 11 42, 35 और फ्लोर, 2 3 10 और 4, तो ये आ जाएगा आपका 4032, 4032 और एक जीरो और बच रही थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 40320। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं अरेंज, जैसे आपको मतलब इजी लगता है। मैं जब अरेंज करता हूँ तो जो ऐसे नंबर अरेंज करने की कोशिश करता हूँ जिसमें जीरो आ जाए, जैसे 5 4 20 कर दिया, 20 में जीरो को आप साइड में करो, 2 बच गया। फिर 2 3 6, 6 12, 12 6 72, इधर से आ गया 56, 56 और 72 को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सबके अपने अपने तरीके हैं, आपके अपने तरीके होंगे मल्टीप्लिकेशन के, वो कर लेना। आगे कहता है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट्स एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच। आगे कह रहा है कि भाई हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, यहाँ पर कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर सबसे जो छोटा लड़का है वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड वाली बेंच पर बैठेगा। अब सबसे जो छोटा है उसकी तो प्लेस आपने फिक्स कर दी, वो आया जो सबसे छोटा बच्चा है मान लो इस वाले प्लेस पर बैठ गया, तो उसकी तो आपने प्लेस फिक्स कर दी भाई, वो तो यहीं बैठेगा, उसका प्लेस फिक्स है। अब जो सात स्टूडेंट रह गए उन सातों के पास ऑप्शंस हैं, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस एट हट जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। बस जो एक बच्चा था उसका ऑप्शन आपने खत्म कर दिया था, उसकी सीट आपको दे दी, उसकी सीट देने के बाद हमारे पास सीट बचती है 7, तो यहाँ 7 से हम इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 × 2 = 14, 7 7 49 और 50, एक जीरो इधर आ जाएगी, तो आ जाएगा 5 0 4 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11th क्वेश्चन में कहता है ए नंबर लॉक ऑन ए सूटकेस हैज 3 व्हील्स ईच लेबल्ड विद एन 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। एक नंबर लॉक है सूटकेस के ऊपर, सूटकेस में आपने नंबर लॉक अक्सर देखे होंगे, जैसे कई बार जो साइकिल में लॉक लगाते हैं उस पर भी एक नंबर लॉक आप बनाते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसके लिए डिजिट जो आपको यूज करनी है वो डिजिट है आपके पास 0 to 9। डिजिट्स क्या क्या यूज करनी है आपको, 0 to 9। अब 3 डिजिट का नंबर लॉक है, 3 डिजिट नंबर लॉक है। अब कहता है कि हाउ मेनी पॉसिबल वेज, हाउ मेनी सच सीक्वेंसेस आर पॉसिबल, तो इस तरह के कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर जो नंबर लॉक आप बनाते हो आपके सूटकेस में, ब्रीफ केस में कोई नंबर लॉक होता है जिसके अंदर आपके कुछ सीक्रेट चीजें होती हैं, तभी आप नंबर लॉक लगाओगे उसमें, तो वो नंबर लॉक बनाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, कितने ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं। सपोज आपका ब्रीफ केस किसी ने चुरा लिया, तो अब वो क्या करेगा, उसको खोलने की कोशिश करेगा, खोलने की कोशिश करता है तो उसको कितने तरीके ट्राई करने पड़ेंगे वो खोलने के लिए। अगर वो उतने सारे तरीके ट्राई कर ले दैट मीन्स वो खोल सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या देखो तरीके हो सकते हैं, आपके पास 3 उसमें व्हील होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि नंबर लॉक बना रहे हो आप, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मान लो ये आपका पहला व्हील है या दूसरा व्हील है या तीसरा व्हील है, यहाँ पर जो नंबर आपको रखने हैं, तो यहाँ पर इस प्लेस पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप जीरो नहीं रख सकते, उसका आपका नंबर लॉक ही 0 0 0 बन जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, उसे नंबर लॉक बना रहा है। तो वहाँ पर आप सीक्वेंस में जीरो भी आप यूज कर सकते हो इस वाले प्लेस पर। जब आप 3 डिजिट नंबर बनाओगे तो इस प्लेस में हम जीरो यूज नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखना ये नंबर नहीं बना रहे हो आप, कोई लॉक का सीक्वेंस बना रहे हो, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको रखने के लिए आपके पास पूरे के पूरे 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, आप 10 में से कोई भी डिजिट आप यहाँ पर रख सकते हो। अब जो डिजिट आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको डिजिट रिपीट नहीं करनी है,
यानी यहाँ पर जो आपने नंबर रख दिया, कुछ भी नंबर रख दिया, उसको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास 9 ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसे लास्ट वाले पे जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन और कम हो गया, आपके पास 8 ऑप्शन अवेलेबल हुए। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, अब तक आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई क्यों हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 720। या 720 वेज ऐसे हैं जिसमें आप वो नंबर लॉक बना सकते हो। तो किसी ने अगर आपका नंबर और ब्रीफ केस ले लिया है, तो अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो 720 बार तक ट्राई कर सकता है, तो डेफिनेटली वो आपका ब्रीफ केस खोल सकता है नंबर लॉक से। इस 13th क्वेश्चन में कहता है क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। एक क्लास के अंदर 60 बॉयज है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बॉयज कितने आपके पास 60 और गर्ल्स कितनी है 40 गर्ल्स। अब यहां पर आपको कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, चार लोग चूज करने कैन बी चूजन इन द इफ द सेक्रेटरी मस्ट बी ए बॉय, द ट्रेजरर मस्ट बी ए गर्ल एंड स्टूडेंट मे नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस। मतलब क्या कह रहा है, ये चार लोग तो आपको चूज करने, एक प्रेसिडेंट चूज करना है, एक वाइस प्रेसिडेंट चूज करना है, एक सेक्रेटरी चूज करना है, एक ट्रेजरर चूज करना है। अब यहाँ पर आपको कहता है कि जो सेक्रेटरी है वो एक बॉय होना चाहिए और जो ट्रेजरर है वो एक गर्ल होनी चाहिए। इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, यानी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, दैट मीन्स चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन साथ में कंडीशन एक ये दे दी कि जो एक स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा ऑफिस अवेल नहीं करेगा, मतलब एक से ज़्यादा पोजिशन अवेल नहीं करेगा। मतलब जो प्रेसिडेंट बन गया वो ट्रेजरर नहीं हो सकता, या सेक्रेटरी नहीं हो सकता, या वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, मतलब दो पोस्ट नहीं ले सकता, ठीक है। टोटल डेमोक्रेसी है यहाँ पर, एक बंदा है एक ही पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको जो कंडीशन यहाँ पर क्या देगी, कंडीशन इसने दे दी कि सेक्रेटरी तो बॉय होना चाहिए जरूर और ट्रेजरर जो है गर्ल होनी चाहिए। तो हमें स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में स्पेशल कंडीशन दे दी जाए तो आपको स्टार्ट वहीं से करना है। तो अब जब हम सेक्रेटरी चूज करेंगे, तो सेक्रेटरी चूज करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ वे टू चूज ए सेक्रेटरी, नंबर ऑफ वेज टू चूज ए सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी कहता कि बॉय होना चाहिए, तो गर्ल्स का रोल तो खत्म हो गया, गर्ल्स में तो आपको चूज करने नहीं है। तो आपके पास 60 बॉयज है, 60 बॉयज में से किसी भी एक को आप सेक्रेटरी बना सकते हैं। यानी आपके पास 60 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 60 ऑप्शन अवेलेबल हैं जिससे आप सेक्रेटरी बना सकते हैं। सेम आते हैं ट्रेजरर पे। अब ट्रेजरर जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपके इसने दे दिया कि भाई गर्ल होनी चाहिए ट्रेजरर। अब ट्रेजरर गर्ल है तो यहाँ पर बॉयज का रूल खत्म। आपके पास 40 गर्ल्स हैं, उसमें से आप किसी को ही बना दो ट्रेजरर। अब आ जाते हैं प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट। तो नंबर ऑफ वे टू चूज ए प्रेजिडेंट। अब प्रेसिडेंट चूज करने के लिए आपके पास इसने कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब गर्ल्स भी हो सकती हैं बॉयज भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपने दो लोग को यहाँ पर चूज करके बिठा दिए, आपने इन लोगों को कह दिया कि आप ट्रेजर बन गए, आप सेक्रेटरी बन गए और आप रेस से बाहर हो, आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। उनको तो आपने एक पोस्ट देके उनका मुंह बंद कर दिया कि वो नहीं बोलेंगे वहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो एक से ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर। तो जो टोटल 100 स्टूडेंट थे उसमें से 2 स्टूडेंट तो ऑलरेडी बाहर हो गए। तो प्रेसिडेंट चूज करने के लिए आपके पास 98 ऑप्शंस अवेलेबल है। इस 98 में से ही आपको कोई चूज करना है। ऐसे जब आप प्रेसिडेंट चूज कर लेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट चूज करना है। अब जो प्रेसिडेंट बन गया उसको भी पोस्ट मिल गई भैया, वो भी अपना साइड में। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितने लोग बचे आपके पास, 97 लोग बचे। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज ए दीज फोर पीपल 60 इंटू में 40 इंटू में 98 इंटू में 97। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेना, बड़ा लंबा मल्टीप्लाई है तो आप लोग खुद परफॉर्म कर लेना। मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, 6 फ्लैग दे रखे हैं आपको डिफरेंट कलर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 6 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर ये आपको दिया हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय होस्टिंग द फ्लैग ऑन ए वर्टिकल पोल वन बिलो द अदर इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ एटलीस्ट 4 फ्लैग।
एक सिग्नल मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आप यहाँ पर बना सकते हो, अगर एक सिग्नल बनाने के लिए कम से कम आपको 4 फ्लैग यूज करने हैं और एक दूसरे के ऊपर रखने, मतलब आप सिग्नल जो बनाओगे इस तरीके से आप बना सकते हो 1, 2, 3, 4, कम से कम 4 फ्लैग रखने हैं। तो अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि हमारे पास 4 फ्लैग है सिग्नल के अंदर, इफ फोर फ्लैग्स इन ए सिग्नल, तो यहाँ पर देखो कितने वेज हो सकते हैं। जो पहले वाला यहाँ पर फ्लैग आप लगाओगे, अब टोटल आपके पास कितने 6 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के हैं सारे, तो 6 में से कोई सा भी आप लगा दो। अब जो फ्लैग आपने यहाँ पर लगा दिया उसको आप ऊपर तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो एक ही फ्लैग है आपके पास, तो बाकी बच गए आपके पास 5, फिर उससे अगले के लिए 4, फिर उससे अगले के लिए 3, तो ये ऑप्शन आपके पास हो गए। तो कितना हो गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 हो गया, 3 4 12 12 30 यानी 360 सिग्नल्स टोटल हम जनरेट कर सकते हैं अगर 4 फ्लैग यूज हो रहे हैं। लेकिन उसने यहाँ पर दिया हुआ है कि कम से कम 4 फ्लैग, कम से कम का मतलब है कि आप 5 फ्लैग भी यूज कर सकते हो, 6 भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको भी एग्जाम में बोला जाता है 33% कम से कम लानी जरूरी है तो आप पास हो जाओगे, तो अगर 34 लाओगे तो फेल तो नहीं होते ना, पास ही हो जाते हो। तो यहाँ पर जब ये कह रहा है कि कम से कम 4 फ्लैग आपको लगाने हैं, तो आप 5 भी लगा सकते हो भाई, आप 6 भी लगा सकते हो, 6 से ज्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि टोटल 6 फ्लैग है हमारे पास, उससे ज्यादा तो है ही नहीं, तो जितने फ्लैग हैं उतने तो लगा ही सकते हैं कम से कम। तो अगर हमारे पास, हम यहाँ पर 5 फ्लैग लगाते हैं सिग्नल में, तो क्या होगा, पहले यहाँ पर 6 प्लेस हो गए, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 720 हो गया, 10 का डबल कर देते हैं। अगर 6 के 6 फ्लैग हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1, तो भी 720 आएगा। अब सिग्नल बनाने के लिए आपके पास ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, यानी तीन डिफरेंट केस है, मतलब आपके पास यहाँ पर ओवर वर्ड यूज हो रहा है। या तो आप सिग्नल ऐसे बनाओगे, या फिर सिग्नल ऐसे बनाओगे, या फिर सिग्नल ऐसे बनाओगे। तो जब ओवर वर्ड यूज होता है या वर्ड यूज होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ध्यान है ना, भूल तो नहीं गए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो पिछला वीडियो जरूर देखो, उसमें और का यूज क्या है, एंड का यूज क्या है, डिटेल में बताया हुआ मैंने। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने बन सकते हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 360 प्लस 720 प्लस 720, इन सबको आप प्लस कर दो, 0 2 2 4 4 6 10 14 14 और 3 17 प्लस 1 18, तो 1800 टोटल आपके सिग्नल इससे आप बना सकते हो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर को 15 देखते हैं, 15 में क्या कहता है आपसे कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000, ऑड नंबर लेस देन 1000 यूजिंग दीज डिजिट्स, इन डिजिट से आपको ऑड नंबर बनाने हैं जो कि 1000 से छोटे हैं। अब यहाँ भी आपको दो कंडीशन दी है, रिपीटेशन इज अलाउड, फिर सेकेंड कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दोनों को बारे बारे से डिस्कस करते हैं। तो रिपीटेशन अलाउड की जब हम बात करेंगे तो आपको क्या करना है, अब पहले आप ये समझो कि आपको नंबर किस किस टाइप के बनाने हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपको 1000 से छोटे नंबर चाहिए, और 1000 होता है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उससे छोटे नंबर कौन से हो गए भाई, या तो 3 डिजिट के नंबर हो गए, वो भी उससे छोटे पाएंगे, जो 2 डिजिट नंबर है वो भी उससे छोटे हैं, जो 1 डिजिट नंबर है वो भी तो उससे छोटे ही हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और 1 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आपको ऑड नंबर लेने हैं, सारे नहीं लेने, सिर्फ ऑड नंबर लेने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 डिजिट के नंबर बना लेते हैं, तो 3 डिजिट ऑड नंबर ये कितने बनेंगे। अब 3 डिजिट का मतलब आपके पास यहाँ पर 3 प्लेस होगी। अगर हमें नंबर ये ऑड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाली कंडीशन हम फॉलो करते हैं। अगर हमें नंबर ऑड बनाना है तो जो ये वाला प्लेस है, इस प्लेस पर या तो 5 होगा या 7 होगा, दो ऑप्शन है आपके पास। जो डिजिट यहाँ दिए वही यूज करनी है अपनी तरफ से, ये नहीं कि कुछ भी आप यूज कर लो, जो दो डिजिट यहाँ पर दिए 5 और 7, ये दोनों ही ऑड नंबर बनाएंगी, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर बात करने की बजाय पहले हम इसकी बात करेंगे, क्यों बात करेंगे इसकी, ये भी चीज आप समझ लो, ये नहीं कि कभी उठा के कुछ कर दिया, कभी उठा के कुछ कर दिया। अब इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 0 दिया हुआ है एक डिजिट, अगर आप यहाँ पर 0 रख देते हो तो क्या ये 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर बनेगा, नहीं बनेगा ना, ये तो 2 डिजिट नंबर रह जाएगा अगर यहाँ 0 आ गया।
तो पहले हम इस कंडीशन को फिल करते हैं कि यहां पर आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखो यहां पर आप जीरो तो रख नहीं सकते, तो क्या रख सकते हो? बाकी तीन नंबर तो रख सकते हो ना, चाहे फोर रख दो, चाहे फाइव रख दो, चाहे सेवन रख दो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो जो नंबर आपने यहां पर फिल किया था उस नंबर को आप यहां पर भी रख सकते हो, यानी आपके पास यहां पर तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। समझ में आ गई बात? अब इन तीनों यहां अब आते हैं यहां पर। अब यहां पर जब आप रखोगे तो यहां पर तो चारों ही ऑप्शन हो गए ना आपके पास अवेलेबल, बीच में तो जीरो आ सकता है और रिपीटेशन अलाउड है, तो जो नंबर आपने यहां रखे थे वो यहां पर भी आ सकते हैं। तो यहां पर आपके पास चारों के चारों ऑप्शन अवेलेबल है, तो टोटल कितने बन गया? 4 3 12 12 into 2 24 ऑड नंबर्स होंगे 3 डिजिट के। अब आते हैं 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट ऑड नंबर ये कितने बन गए? अब आपके पास यहां पर दो ही प्लेस है, दो प्लेस है, तो फिर यहां पर तो आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो 5 रखोगे या 7 रखोगे। यहां पर आपके पास कितने ऑप्शन है? यहां पर आपके पास जीरो तो आप रख नहीं सकते, तो यहां पर आपके पास टोटल 3 ऑप्शन बचे, तो इन 3 में से आप कोई भी रख सकते हैं। तो कितना आ गया? 3 2 6। अब आते हैं 1 डिजिट पे, 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर तो वैसे ही आपको समझ में आ रहा है, या तो 5 होगा या 7 होगा, उसमें तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं। यानी आपके पास ये दो नंबर होंगे, एक प्लेस है आपके पास जिसमें आप दो ऑप्शन फिल कर सकते हो, तो टोटल मिलाकर आपके पास कितने नंबर बन गए? 32 नंबर बन गए, जो कि ऑड नंबर होंगे और 1000 से छोटे होंगे और जिसमें रिपीटेशन होगा। अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो क्या करना है? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उस केस में क्या करेंगे? तब आप 3 डिजिट के नंबर बनाओगे, तो फिर आपके पास ये 3 ऑप्शन होंगे, यहां पर तो आपके पास 2 ही रहना है, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी जो नंबर आपने यहां पर फिल किया है उनको आप आगे यूज कर ही नहीं सकते। मान लो मैंने यहां पर 7 यूज कर लिया, तो 7 तो लिस्ट से बाहर। अब क्या बचे हमारे पास? 0 4 5। 0 में से आप 0 को यहां रख नहीं सकते, तो क्या बचा? 4 और 5, यानी 2 ऑप्शन बचे आपके पास, 2 यहां पर रख दो। जो बीच वाला नंबर है वहां पर तो हम 0 रख सकते हैं ना, तो यहां पर हमने क्या करा? जो नंबर यहां रखा था, जो नंबर यहां रखा था, उसको हटा दो, 2 नंबर आपके कम हो गए, तो बच गए 2 नंबर इधर आ गए, यानी टोटल मिलाकर ये बन गए 8, ठीक है। अब ऐसे हम निकाल लेते हैं 2 डिजिट नंबर, इसमें रिपीटेशन अलाउड ना हो। अब 2 डिजिट नंबर में क्या आपके पास? 2 डिजिट है, तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। अब मान लो आपने यहां 5 या 7 में से कुछ भी एक नंबर रख दिया, अब आपके पास 3 नंबर है, 3 में से 0 तो आप यहां रख ही नहीं सकते हो, तो बच गए कितने? 2 नंबर और बचे, तो 2 में से कोई भी आपने यहां रख दिए, 4 हो गए। अब रह गया 1 डिजिट नंबर, और 1 डिजिट नंबर तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, और एक ऑप्शन के आपके पास 2 ऑप्शन है, सॉरी एक प्लेस है, या तो आप 5 रखोगे या 7 रखोगे, दोनों ही डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है, 2 यहां से हो गए, तो टोटल मिलाकर बन गए 14, यानी 14 नंबर ऐसे होंगे जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा और 1000 से छोटे होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो इस तरह से हमने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, या फिर ऑड या एंड वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमने इस वीडियो में और पिछले वीडियोस में करे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वो परमुटेशन और कम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। अभी थोड़ा सा हम और करेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक ही है। एंड क्या होता है, और क्या होता है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, अभी आपको ये समझ में आया होगा। परमुटेशन कम्बिनेशन ज़्यादा अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।